और अगर नहीं है तो फिर चैट में नो लिख दीजिएगा। ओके, हमने कल, अच्छा नो का मतलब आप लोग याद रखें, नो लिखने से पहले एक बात माइंड में रख लें सब स्टूडेंट्स, नो का मतलब ये होता है कि जो टॉपिक्स हम पढ़ते जा रहे हैं वो आप लोगों ने रिवाइज कर लिए हैं, और ये मैं इम्प्लाइड मीनिंग ले रहा हूँ इसका कि आप लोगों ने जो पढ़ लिया है कल तक, मैंने जो काम करवा दिया कल तक वो आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है। आई मीन टू से एटलीस्ट आप लोगों ने वो याद जरूर कर लिया, रिवाइज कर लिया है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आई एम गेटिंग दिस मीनिंग फ्रॉम योर नो, इट मीन्स यू डोंट हैव एनी इश्यू। ओके, नहीं कॉबवेब छोड़ दें जी, कमर कॉबवेब नहीं करना। ओके जी, तो बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को माइंड में रखें कि जब आप लोग कहते हैं वी डोंट हैव एन इश्यू, तो मैं उसका इम्प्लाइड मीनिंग यही लेता हूं कि आप लोगों ने उसको पढ़ लिया है पर आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। सारी बात प्रिपेयर, जो प्रिपरेशन होती है वो तो एक लॉन्ग टाइम प्रोसीजर होता है, बट इतना तो कम से कम हमें इसमें से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि आप लोगों ने इसको कर लिया हुआ है गो थ्रू। हेलो, अब आपको आवाज आ रही मेरी? जी सर, नहीं, ये जो बच्चे कह रहे नहीं आ रही इनको मैं पूछ रहा हूँ। जाहिद आप कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही बेटा? जी जी जाहिद, मैं आपको आवाज आ रही? सर नहीं, सर जी, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जरा ये बता सकते हैं कि हम मतलब सिलेबस में कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? सिलेबस में क्या टॉपिक? मतलब कि हम सिलेबस में कौन से टॉपिक पर है, अभी हम क्या कर रहे हैं? सिलेबस की बात कर रहा हूँ, हमने सिलेबस पे भाई चलना है ना, तो इसी की बात जी, कर रहा सिलेबस पे हम इलास्टिसिटी पे पहुंचे हैं। अगर आईटी टीम सुन रही है तो मैंने इसको लॉग इन किया हुआ है, तो मुझे आईटी टीम काइंडली, मैंने इसको टैब पे भी अपने राइटिंग नोटपैड पे किया तो वहां पे ऑप्शन नहीं आ रही इसकी। जी सिलेबस में इलास्टिसिटी चल रही है बेटा। जी सर, थैंक यू। जी इलास्टिसिटी ऑफ, इलास्टिसिटी डिमांड चल रही है हमारी। और अगर इसके अलावा किसी को प्रॉब्लम है तो हम बात कर लेते हैं, अदरवाइज टॉपिक को फिर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। सर चैट में रिप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। हाँ जी, इसको बिस्मिल्लाह, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि हमारे पास इलास्टिसिटी, टर्बिनेंट तक कर लिया था कोई स्टूडेंट आप में से? ये बस ये बताए मुझे, कल हमने लास्ट कहाँ तक कर लिया?
कोई एक स्टूडेंट सिर्फ यहाँ मैसेज कर दे, डिटर्मिनेंट्स सिटी का चैप्टर कंप्लीट हो गया था हमारा। हेलो, आज हम नया चैप्टर करेंगे अपना, चैप्टर नंबर 4। यूटिलिटी और कंज्यूमर बिहेवियर। अच्छा, इस चैप्टर में काफ़ी सारी टेबल्स और डायग्राम्स भी हैं। हम सारे नहीं करेंगे क्योंकि आपके पेपर में टेबल्स और डायग्राम सारे टेस्ट नहीं होते। हम इसके मेन टॉपिक्स कवर करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जो बात सुनने और समझने वाली वो है कंज्यूमर। हम कंज्यूमर किसको कहते हैं? हु कंज्यूम्स गुड्स, राइट? व्हाई वी कंज्यूम? बताइए, why we consume goods? To satisfy human wants. Exactly. हमारी बेशुमार नीड्स होती हैं, हमारी बेशुमार वांट्स हैं, जिन्हें हम सैटिस्फाई करने के लिए डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को हम कंज्यूम करते हैं, राइट? लेकिन जो असल बात है वो है सैटिस्फेक्शन we get by consuming goods. और सर्विसेस, ये जरा पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुनने वाला, कि जब हम कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं हम कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें एक सेटिस्फेक्शन हासिल होती है। उस सेटिस्फेक्शन को इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहा कहते हैं हम लोग, याद रख लें। उस सेटिस्फेक्शन का नाम है इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी। अब यहां से फिर एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे हम। जब हम कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो ऑब्वियसली उससे यूटिलिटी ड्राइव तो होगी, तो फिर दो टाइप्स हो जाती हैं। एक है MU और दूसरी है TU, मार्जिनल यूटिलिटी
और टोटल यूटिलिटी। इन दोनों को अलग अलग हमने एक्सप्लेन भी करना है। अगर हम कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उससे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो सेटिस्फेक्शन ड्राइव करते हैं ना। बताइए, हम कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, कोई ईटेबल यूज करते हैं, कोई ड्रिंक यूज करते हैं, तो फर्स्ट बाइट पे, फर्स्ट स्पून पे, फर्स्ट सिप पे आप बताएं कुछ ना कुछ तो यूटिलिटी ड्राइव होगी ना। बोलिए। कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करें तो उससे यूटिलिटी ड्राइव होगी फ्रॉम एडिशनल यूनिट। इसका मतलब कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने से हमें कुछ ना कुछ तो यूटिलिटी ड्राइव होती है। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज और जितने भी यूनिट्स आपने कंज्यूम करने थे उन तमाम यूनिट्स की यूटिलिटीज को अगर सम कर लिया जाए तो आपकी टोटल यूटिलिटी हो जाती है। अच्छा, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, एम यू इज व्हाट, चेंज इन टी यू मार्जिनलिटी कैसे आएगी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। इसका मतलब मार्जिनलिटी क्या होती है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। ये सारे इसलिए बता रहा हूं कि अगर एमसीक्यूज के अंदर ऐसी कोई बात पूछी जाए, एम यू इज दी स्लोप ऑफ टी यू, एम यू इज दी स्लोप ऑफ टी यू। दो तीन एंगल्स मैंने आपको बताया कि एम यू चेंज इन टी यू भी है, स्लोप ऑफ टी यू भी है।
राइट जी। अच्छा, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखें, अब आप लोगों ने रिप्लाई करना है ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ रहा है जो मैं पूछने लगा हूँ। तो मुझे बताएं, अगर कोई प्रोडक्ट को आप कंज्यूम करते हैं तो उससे आपकी कोई नीड पूरी होती है? जब भी कोई प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हैं तो कोई नीड पूरी होती है आपकी? राइट। लेकिन जो जो आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते चले जाते हैं तो उसमें आपकी जो नीड है ग्रेजुअली कम रह जाती है, ज्यादा रहती है? इसका मतलब अगर मैं इसको यूं कहूं Continuous use of a product marginal utility decreases। बोलिए, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या कही हमने अभी? यूटिलिटी ऑफ एडिशनल यूनिट। इसका मतलब यूटिलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो डिक्रीज होगी कॉन्टिन्यूसली। मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है, इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मैं इसको यूं लिखूं, और मैं आपसे कहता हूं कि जी पहले यूनिट की सेटिस्फेक्शन 30 है तो ग्रेजुअली इट विल डिक्रीज, तो टीयू क्या होगा? सम थर्टी फिफ्टी सिक्सटी जीरो, क्योंकि जब आपकी सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाती है, डिजायर आपकी खत्म हो जाती है, तो टोटल मैक्सिमम हो जाती है। और अगर आप फिर भी कोई यूनिट परचेज करके कंज्यूम करते हैं, आपको पता भी है कि आपको कोई सेटिस्फेक्शन ऐड तो हुई नहीं, तो क्या होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब होता है डिससेटिस्फेक्शन, जिससे टोटल आपका फॉल कर जाता है। इसका मतलब आपने एक ऐसा यूनिट कंज्यूम किया जिसके लिए आप
कि सेटिस्फेक्शन ऑलरेडी जीरो हो चुकी थी. इट इज कॉल्ड योर डिससेटिस्फेक्शन. अब हमने जो पीछे दो बातें पढ़ी है मार्जिनल की और टोटल की, उसको यहां भी शो हो सकता है. मार्जिनल क्या है? हर यूनिट का एक्सक्लूसिव सेटिस्फेक्शन. और टीयू क्या है? फर्स्ट यूनिट इट इज ऑफ फर्स्ट यूनिट. तो ये क्या है? इट इज ऑफ बताएं सेकेंड यूनिट और समथिंग एल्स. कौन बताएगा? 30 वाज ऑफ फर्स्ट यूनिट, टोटल यूनिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट एंड 50 is the total unity of what? Then it is the total unity of which unit? It is of first two units. It was first unit only, and it is of first two units, and it's of first three units. Are you getting my point? ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को? चले अब यहां से दूसरा कॉन्सेप्ट देखें. इन दोनों का क्या डिफरेंस है बताएं? 50 और 30 का डिफरेंस क्या है जी? ट्वेंटी का डिफरेंस और वही मार्जिनल है. यहां क्या डिफरेंस है? 10 का यूनिट है, ये भी 10 है. यहां जीरो का डिफरेंस है, जीरो है. या माइनस 10 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब एम यू क्या है? चेंज इन टी यू. बोलिए. इट मीन्स चेंज इन टी यू आप देखें, इसी को स्लोप नहीं कहते हम. बोलिए. डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स ही स्लोप होती है ना जी. मिसबा क्या पूछ रही हो? हाउ द एम यू इज इक्वल टू टी यू डेल्टा टी यू डेल्टा, ये पूछ रहे हो आप? सर मैं पूछ रही हूँ कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, आपने कहा कि टोटल यूटिलिटी जैसे चेंज होती है वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होती है. नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा. मैंने कहा मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द चेंज इन टोटल यूटिलिटी.
वी आर गेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द चेंज इन टोटल यूटिलिटी. ठीक ओके सर थैंक यू. लाइक टोटल यूटिलिटी वॉज 30, देन इट वॉज 50, देन चेंज वॉज ऑफ 20, इट मीन द मार्जिनल यूटिलिटी इज चेंज. Here it was 10, it means change is 10. So the change in total utility is the marginal utility. Got it? Okay. लेकिन लेकिन एक मसला है इसके अंदर, एक प्रॉब्लम है छोटा सा. वो ये है कि हमने तो यूटिलिटी को देखा कि इसका पैटर्न जो है वो डिक्रीजिंग है. Continuously decreases. लेकिन ये बहुत सी जगहों पर ऐसा नहीं होता, कुछ जगहों पर MU increase भी होता है. Like, और जरूरी नहीं होता कि हर सेकेंड यूनिट पे मार्जिन यूटिलिटी फॉल करे. हाँ मुझे बताएं, if you are getting more and more wealth, if you are getting more and more wealth like gold, like property, like money, what is the form of wealth? If you are getting more and more money, what do you think, that marginal utility for additional wealth will decrease or not? If you are getting more money, is it possible कि कहीं आप कहेंगे सर my utility for money and the wealth and the income decreasing? आप कभी satisfy नहीं होते wealth के साथ, आप कभी satisfy नहीं होते money के साथ. इसके लिए कुछ हमें precondition रखनी पड़ती है. Preconditions or preconditions or assumptions. हमें कुछ precondition या assumption रखनी पड़ती है. मसलन सबसे पहली condition ये होगी continuous use. अगर किसी प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूसली यूज नहीं किया जाए तो डीएमयू अप्लाई नहीं होता. लाइक अगर आपने एक ग्लास पानी का पिया 9 AM, सेकंड ग्लास पिया आपने 12 AM, थर्ड ग्लास पिया आपने 4 PM, फिर आपने पिया 8 PM, तो बताइए क्या आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉल करेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ग्लास पे? मार्जिनल यूटिलिटी फॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ग्लास कम होगी? बताइए. आंसर इज नो. रीजन ये गैप है इसके अंदर. तो गैप से क्या होता है, नीड रियलाइव हो जाती है. तो जब नीड रियलाइव हो जाती है तो फिर मार्जिनल यूटिलिटी फॉल नहीं करते. राइट इसी तरह होमोजेनियस यूनिट्स. अगर आप एक ग्लास प्लेन वाटर पिए, दूसरा आप
कोई फेवरेट जूस पिए हैं तो बताइए, सेकंड की जो यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, फर्स्ट से लेस और मोर? हमारे लॉ के अकॉर्डिंग लेस होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली वाटर से कंपेयर करेंगे, फर्स्ट ग्लास आपका वाटर है और सेकंड यूनिट आपका जूस है, फेवरेट जूस, तो जूस की जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो डेफिनेटली वुड बी ग्रेटर देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब अगर आप डिफरेंट यूनिट्स लेकर यूटिलिटी को कंपेयर करेंगे, मार्जिनलिटी फॉल नहीं करेगी, होमोजीनियस यूनिट्स लेने पड़ेंगे। राइट कहते हैं, इसी तरह इसकी कुछ या इसके कुछ, यस यस मंसूर यस, कुछ चीजें ऐसी जिन पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता, आउट ऑफ लॉ, मसलन मनी, वेल्थ, नॉलेज, इंटॉक्सिकेंट्स या ड्रग्स, जो ड्रग यूजर होता है उसके भी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल नहीं करती। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो मैंने बुकिश सा पढ़ा दी है ये वाला एक्सेप्शंस, क्योंकि सिलेबस भी कवर करना होता ना, लेकिन अब मैं एक बात करने लगा हूँ थोड़ी डिफरेंट। मैं इनसे एग्री नहीं करता हूँ कि आपकी जो डीएम जो है वो इनपे अप्लाई नहीं होता, मैं इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूं कि कोई चीज जिसपे लॉ अप्लाई डीएमयू अप्लाई ना होता हो। जैसे अभी किसी ने कहा था कि इफ यू आर गेटिंग मोर एंड मोर एंड मोर मनी सो माइट आपकी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होती, ओके फाइन नहीं कम होती, एग्री, लेकिन आप ये भी तो माइंड में रखें और मुझे रिप्लाई करें चैट में, यूटिलिटी फॉर मनी इज डैश फॉर पुअर एंड डैश फॉर रिच। बताएं, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज डैश फॉर रिच लेस और मोर एंड डैश फॉर पुअर लेस और मोर? इसकी एग्जाम्पल यू कर लें, अगर 5000 रुपीज कर लेते हैं, 5000 रुपीज गुम जाते हैं उस शख्स के जो 1000 पर डे वेज पे, डेली वेजेस के तौर पे 1000 पर डे काम करता है, और 5000 ही गुम जाते हैं मलिक रियाज के, हु विल बॉदर? डेली वेजेस और मलिक रियाज, ऑब्वियसली डेली वेजेस पुअर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपके पास
यही तो मैंने आपसे कहा, यही मैंने आपसे कहा जी। एग्जैक्टली सर, बात तो सुनेंगे ना मिस्वा, बात तो सुनेंगे। मनी की वैल्यू होती है इटसेल्फ, बताएं। सब स्टूडेंट रिप्लाई किया करें, मनी की इटसेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है। मनी हैज सम यूटिलिटी, मनी पजेसेस सम यूटिलिटी, मनी हैज सम इटसेल्फ इंपॉर्टेंस। इफ यू हैव 1 लाख इन योर अकाउंट, सो बताइए आप सेटिस्फाई फील करते हो कि यस आई हैव 100,000। एग्जैक्टली। एंड इफ यू वुड हैव मोर लाइक 500,000, यू विल फील मोर ग्लैड। मोर सेटिस्फाइड। अगर आपके पास 500 मिलियंस आ जाए तो यू विल फील मोर सेटिस्फाइड। यस, बट टोटैलिटी में आपकी यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, टोटैलिटी में। लेकिन पर रुपी जो यूटिलिटी आपकी, वो अब कम नहीं हो चुकी। तो पर रुपीज देखेंगे तो कम हो जाएगी, टोटैलिटी में देखेंगे तो नहीं होगी। इसी तरह हर चीज की होती है। तो डीएमयू हर चीज पे अप्लाई होता है। यस, डीएमयू हर चीज पे अप्लाई होता है, बट थ्योरेटिकली चूंकि हम कह रहे हैं, इसलिए इसको पढ़ने के हद तक सिर्फ मैं एग्री करूंगा। मैं अदरवाइज प्रैक्टिकली आई टोटली डिसएग्रीड, राइट? अच्छा जी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम याद रखिएगा, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी विद इन इनकम। ये कॉमन डेफिनेशन याद रख ले, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी विद इन गिवन इनकम। हर अक्लमंद आदमी, हर रैशनल आदमी अपनी इनकम को कंज्यूम करते हुए अपनी टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है। क्यों जी? वी वॉन्ट टू, सर इतनी मेहनत से पैसा कमाया होता है, वेस्ट तो नहीं करना चाहते ना आप? वेस्ट तो नहीं करना चाहेंगे ना? सो वी वॉन्ट टू मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी।
विद इन गिवन इनकम, इसका मतलब जो भी आपकी गिवन इनकम होगी आप चाहेंगे कि मैं ऐसे कंज्यूम करूं कि मेरा टोटल सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाए, टोटल यूटिलिटी मेरी मैक्सिमाइज हो जाए। तो जब हो जाए तो उसको कहेंगे वी आर इन इक्विलिब्रियम। ये बात याद रहेगी, इस तरह ये पॉइंट याद रहेगा जो मैंने यहां पे लिखा है, क्योंकि इसके बाद फिर इसको मैंने एक्सपैंड कर देना है। तो दो स्कूल ऑफ थॉट हैं जो इस मसले को हल करते हैं। दो स्कूल ऑफ थॉट ऐसे हैं जो इस मसले को हल करते हैं। वन इज कार्डिनल यूटिलिटी, और सेकंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल कहते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, कार्डिनल स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर सकते हैं यूटिलिटी की। मींस व्हाट? बोलिए। इन नंबर्स हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, 40, 30, 20, 10। ऑर्डिनल स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नो, वी कैन नॉट यूटिलिटी इन नंबर्स, बट we can rank the utility। हम मेजर नहीं कर सकते नंबर्स में, हम रैंकिंग कर सकते हैं, मतलब वेरी गुड, गुड, जैसे आप ग्रेड्स करते हैं ना कि जनाब ये खाना ए प्लस है, ये ए है, जस्ट ये बी प्लस है, ये बी है, हम यूटिलिटी को रैंक कर सकते हैं नंबर में मैयर नहीं कर सकते हैं। जबकि ये कहता है कि नहीं सर, हम नंबर्स के अंदर भी मैयर कर सकते हैं, वी कैन क्वांटिफाई। तो अब जो ये कहते हैं कि हम क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, वो यूज करते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी
और ये जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है आपका, वो यूज करते हैं इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व। इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं आईसी। आईसी अप्रोच, यहां तक अभी पढ़ाना था मैंने आज। अब बुक्स ओपन कर लें आप सारे, ताकि मैं आपको मार्क करवा दूं जो कल आपने कहा था, साथ साथ मार्क कर लेते हैं। अच्छा ये आई कैप की मिस बा, आई कैप। अच्छा देखें एक बात याद रख लें, जो जो आप साथ साथ कर रहे हैं प्रिपेयर, जी आई कैप सी है। जी आप कोई भी आप बुक ले लें, सारी बात वो कोई एक बुक सारा सिलेबस तो कवर नहीं करेगी, बट आई गेस अगर आप फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की बुक और थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की जो इंटर ग्रेजुएशन के लिए यूज होती है बुक्स, थर्ड ईयर भी की कर लें तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन वो जाहिर बात है आपका फर्स्ट पोर्शन कवर करेगी ना, वो सेकंड पोर्शन तो कवर नहीं करेगी, उसके लिए फोर्थ ईयर की बुक देखनी पड़ेगी। या पैक की बुक ले लें, पैक की जो बुक है सीए की, वो भी इनफ है। चलें जी, ये है जी आपका पेज नंबर 97 पे डेफिनेशंस है। और पेज में 100 पे डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी की अजम्पशंस, टेबल डायग्राम्स करने की जरूरत नहीं आपको, बस आप इसकी अजम्पशंस एक्सेप्शन है पेज में 103। यहां तक जी आज हमारा, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बैंक ओपन करेंगे। तो ये कल चैप्टर 2 वाले की एमसीक्यूज है, लेकिन जो स्टूडेंट इसको करेगा नहीं वो पूछेगा नहीं, जो पूछेगा नहीं उसको आएंगे नहीं। ये तो अब आप देख लें। अच्छा मेरी बात सुने, कल मैं जरा गौर से सुनिएगा पॉइंट्स, सब बच्चे सब स्टूडेंट्स, कल मैंने चैप्टर 2 और 3 के एमसीक्यूज करवाने, सिर्फ कल टॉपिक नहीं पढ़ेंगे हम,
दो दिन पढ़ा करेंगे और थर्ड डे पे हम एमसीक्यूज किया करेंगे, ओके? इससे आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जाएगी। दो दिन पढ़ा करेंगे, थर्ड डे पे हम एमसीक्यूज किया करेंगे, इससे फिर साथ साथ समझ आएगा कि पेपर कैसे होना है, क्योंकि आपका सारा सीबी है तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि पेपर कैसे टेस्ट होगा। उसके लिए जरूरी है कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाई जाए आप लोगों को। थ्री डेज की क्लास है ना गजनफर, तो टू डेज ये मिसबा बुक में ग्रुप में हुई भी है। ग्रुप में नहीं है जी, ये वाला ग्रुप में शेयर हुई भी है ना। वो फिर आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर लें स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में, तो रिसीव कर लें। वैसे तो कोई आईटी टीम, अगर मैं आईटी टीम से रिक्वेस्ट करूं तो हमारा कोई ऐसा पोर्टल नहीं है जिसपे ये हम बुक रख ही छोड़ें। जैसे मिसबा कह रही है मैं लेट ज्वाइन किया, जाहिद भी कह रहे हैं कि ग्रुप में, आईटी टीम अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या हम हमारा कोई पोर्टल नहीं जहाँ पे जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करे उसे मिल जाए, या काइंडली स्टूडेंट्स को गाइड कर दें देन हाउ दे कैन गेट द बुक, किस ग्रुप में जाएं, कहाँ जाएं। जैसे मिसबा हैं, जाहिद, इन्होंने भी कहा कि हमने लेट ज्वाइन किया, तो आईटी टीम या स्किल व्हाट्सएप अगर आप सुन रहे हैं तो काइंडली जरा वो फिर कल कल हो जाएगी ना, कल शो हो जाएगी। आईटी टीम अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सॉफ्ट कॉपी काइंडली ऐसी जगह पे रख छोड़ें, नहीं तो मिस बा आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी नहीं है। तो फिर देखिए ना, आईटी टीम अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, कोई ऐसा पोर्टल या कोई ऐसा बता दें जहां पे ये स्टूडेंट एनी टाइम कैन एक्सेस सॉफ्ट बुक। और मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के तो नंबर्स नहीं ले सकता हूँ ना आप लोगों से। चले, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी भी तमाम जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए काइंडली एक ऐसी जगह पे बुक रख छोड़ें वेयर दे कैन गेट एनी टाइम। मिसबा, ओ कमर भाई, ओ कमर भाई, आई कैब के ऑफिस से सब कुछ मिल जाता है। मैं कह रहा हूँ सॉफ्ट कॉपी जो ग्रुप में शेयर हम करते हैं, जैसे अभी हेड ऑफिस से आ गया मैसेज मुझे, ओके सर का सॉफ्ट कॉपी क्वेश्चन बैंक की और आई कैब की स्ट्रेट टैक्स दोनों हमने ग्रुप में शेयर की हुई है, तो कोई ऐसा पोर्टल बन जाए जहां पे स्टूडेंट जो लेट ज्वाइन करते हैं उन्हें भी मिल जाए। ओके जी, टेक केयर, टुमारो इंशाल्लाह, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज सर। इसीलिए